हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। द सब्जेक्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग यूनिट फिफ्थ, दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीडेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ 5.5, दैट इज प्रेशर, अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। रोड एक्सीडेंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग 5.4 एंड प्रेशर, अर्थ प्रेशर्स, एक्टिव और पैसिव प्रेशर्स ऑफ 5.5 इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, इंटरसेक्शंस, ग्रेड सेपरेशंस, ग्रेड इंटरसेक्शन एटसेट्रा। इन दिस लेक्चर और इन दिस वीडियो वी कंक्लूड रोड एक्सीडेंट and earth pressure also. Okay, this is our 23rd lecture on highway engineering. With the help of these videos or lecture, we conclude each and every aspects of highway engineering. ये highway engineering का पांचवा unit traffic engineering है, जिसपे हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली है, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेटेड, ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड, इंटरसेक्शन से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड एटसेट्रा। इस वाले वीडियो में, इस वाले लेक्चर में हम लोग रोड एक्सीडेंट और अर्थ प्रेशर के बारे में, एक्टिव या पैसिव जो भी प्रेशर्स हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, ये हमारा 23वां वीडियो है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर। पिछले 22 वीडियो के जरिए हम लोगों ने हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को हाईवे इंजीनियरिंग का के बारे में जानकारी ले चुके हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये टर्म है रोड एक्सीडेंट, पढ़ना है तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक हैज बीन फॉलोड बाय स्टीप इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट। मतलब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक की वॉल्यूम बढ़ेगी रोड पे, द इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक हैज़ बीन फॉलोड बाई स्टीप इंक्रीज, स्टेप नहीं है, स्टीप है, इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट। ज्यों ज्यों रोड में ट्रैफिक बढ़ेगी त्यों त्यों हमारा एक्सीडेंट होने का चांस रोड पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 60,000 आर किल्ड ऑन द रोड एवरी ईयर। मतलब ये एक आकलन है राउंड फिगर में कि लगभग 60,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट में एक साल के दौरान। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट इज़ वेरी एक्यूट इन हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न ऑफ अ व्हीकुलर ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ मिक्स ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन। अब एक्सीडेंट होने का कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों को जो नोटिस किया गया है सर्वे में, तो उनमें से कुछ ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ पैटर्न। अब किसी ड्राइवर को ये समझ नहीं आए कि हमें किस दिशा में जाना है, किस ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो एक्सीडेंट होना तय है। एक्सीडेंट में इन्वॉल्व व्हीकुलर ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ मिक्स ट्रैफिक, मिक्स ट्रैफिक मतलब एक ही रोड पे मैजिक भी चल रहा है, बस भी चल रही है और फोर व्हीलर्स भी चल रहे हैं, ट्रक भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है, पेडेस्ट्रियन भी है, साइकिल्स भी चल रहा है। तो इस तरह के रोड में, मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले रोड में, ठीक है ना, या मिक्स ट्रैफिक बोल सकते हो, उस टाइप के रोड में ज़्यादा चांसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट का। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग परसेप्शन बनाए रखना पड़ता है। इसकी इतनी चौड़ाई है, चलो इतने में पास हो जाएगा, इसकी इतनी लंबाई है, ये इतने में पास हो जाएगा। तो हर एक गाड़ी के लिए हर एक ड्राइवर को अलग अलग अपने माइंड में परसेप्शन सेट कर रहे होते हैं। राइट, तो ये भी एक कारण है रोड एक्सीडेंट का। एंड पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब क्या कि जस्ट रोड के बाजू में देखे होगे आप, पैदल चलने वाले
राहगीर को पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है, दोनों तरफ रहता है, ठीक है। ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी डैमेजेस, पर्सनल इंजीरियस और इवन कैजुअलिटीज, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू प्रोवाइड सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। मतलब जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसमें और भी क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, डैमेज हो सकता है, पर्सन को इंजीरियस हो सकता है, इंजरी हो सकता है, और इवन कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज मतलब मौत भी हो सकती है, राइट। किसमें? एक्सीडेंट्स में। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू प्रोवाइड सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। उतने दिन से जो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 3-4-5 लेक्चर से, इसका मेन मोटो क्या है? आपको ट्रैफिक पुलिस मैन नहीं बनाना, आपको ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवगत करवा रहा है, ठीक है ना, परिचय दिलवा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रैफिक को मूवमेंट करवाने में वो सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू द स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, राइट। आगे, रोड एक्सीडेंट कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड। ये तो तय है कि रोड पे होने वाले एक्सीडेंट को 100% हम लोग श्योर नहीं कर सकते, 100% ऐसा हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि भाई अब एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा रोड पे, कभी नहीं और कभी नहीं, ठीक है ना, ऐसा कभी केस ही नहीं आएगा। और क्या है? रोड एक्सीडेंट कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड बट बाई सुटेबल ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मेजर्स द एक्सीडेंट रेट कैन बी डिक्रीज कंसिडरेबली। देयरफॉर द ट्रैफिक इंजीनियर हैज टू कैरी आउट सिंथेटिक एक्सीडेंट स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स इन टर्म ऑफ डिजाइन एंड कंट्रोल। जब भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसका पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ क्यों, किन किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ और जिसमें इंजरीज हुआ या कैजुअलिटीज़ आई वगैरह वगैरह, ठीक है। इन चीज़ों का पता लगाया जाता है, अगर वो फैक्ट है तो उनके प्रिवेंशन के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्सीडेंट स्टडीज का? टू स्टडी द काउज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। मतलब एक्सीडेंट किस तरह हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, उसको उसके बारे में जानकारी लेना और सजेस्ट करना कि किस तरह वो ठीक हो सकता है। टू चेक द एग्जिस्टिंग डिजाइन एंड टू पुट द सजेशन। क्या मतलब? कि अगर वो डिज़ाइन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है और उससे अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको दूसरे डिज़ाइन के प्रपोजल को देते हैं। टू कैरी आउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज एंड डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉब्लम। अब वो दिखाता है कि अगर इस चीज़ों को हटा दिया जाए, इन चीज़ों को बदल दिया जाए तो एक्सीडेंट कम होने लग जाता है। टू मेक कंपनसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस एंड टू जस्टिफाई द प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट, टू गिव इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट सजेस्टेड बाई द ट्रैफिक इंजीनियर। अब क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक इंजीनियर के सजेशन से कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं। अगर एक्सीडेंट वहाँ पर हो रहा है हमेशा, तो उन कारणों का पता लगाया जाता है और उसके बाद उसमें तब्दीली की जाती है, ठीक है। और जिनका अगर कोई हतोत्साहत हो रहे हैं, कोई अगर मेजर एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। रोड एक्सीडेंट को कैसे क्लासिफाई किया गया? कॉलिजन एक्सीडेंट, नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट। क्या है कॉलिजन एक्सीडेंट? अंडर दिस हेड फॉलिंग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट मे बी ग्रुप्ड कॉलिजन विथ पेडेस्ट्रियन, कॉलिजन विथ अदर मोटर व्हीकल, ट्रेन, साइकिल एंड एनी अदर ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा, कॉलिजन विथ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स दैट इज बिल्डिंग, कर्व, ट्रैफिक सेपरेटर्स एटसेट्रा।
मतलब कॉलिजन एक्सीडेंट मतलब क्या होता है कि मान लो पेडिस्टल में कोई लोग जा रहा है, उसको धक्का मार दिए, कोई बिल्डिंग में जाके धक्का मार दिए, अगर कर्व पे मोड़ रहे हैं वहाँ पे धक्का मार दिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कॉलिजन। नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट में अंदर दिस हेड फॉलिंग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट में बी ग्रुप्ड रनिंग ऑफ द रोडवेज, ओवर टर्निंग, एनी अदर नॉन कॉलिजन ऑन रोडवेज। ओवर टर्निंग मतलब अब स्ट्रक्चर ही गलत है तो वहाँ एक्सीडेंट होना तय है, तो नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट। खुद पे खुद गिर जाता है, देखते हो अकेले, किसी से कोलाइड नहीं किया, खुद गिर गया। ढेर सारा कारण है एक्सीडेंट के होने के। ड्राइवर्स का भी गलती होता है, यूज ऑफ एक्सेसिव स्पीड बाय द ड्राइवर, रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइवरलेस, वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, फेलियर टू सी द अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिचुएशन, साइन एंड सिग्नल टेम्पररी, ये सब क्या है, ड्राइवर का गलती। सर पेडिस्ट्रियन पैसेंजर्स का भी गलती होता है, व्हीकल डिफेक्ट्स भी होता है, ठीक है, रोड कंडीशंस, रोड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हैं, वेदर कंडीशन, अगर बहुत बारिश में तेज नहीं चलाना चाहिए, एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, रोड पे अगर जानवर आ गया तो उससे भी एक्सीडेंट होता है, अदर काउजेज भी होता है। लाइटिंग का भी एक कारण होता है कि अगर लाइट सफिशियंट नहीं है अंधेरे में, रात रात में आप ड्राइव कर रहे हो तो शायद लाइट सफिशियंट नहीं है, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या क्या कारण से अगर इसको ठीक किया जा सकता है, इंजीनियरिंग मेजर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉज, मतलब क्या है, जो इंजीनियर मेजरमेंट दिए हुए हैं कि इतने मीटर का होना चाहिए, ये इतने इसमें कवर होना चाहिए, ये इतना क्या बोलते हैं सुपर एलिवेट करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा, बहुत सारे चीज़ें होते हैं रोड में, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और सभी लोगों को लॉ के बारे में, ट्रैफिक लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना, इन चीज़ों से हमारा एक्सीडेंट कम होने का चांस बढ़ जाता है, कम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर जो एक्टिव और पैसिव प्रेशर है, इसके बारे में हम लोग और एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं, जो कि आपका है सॉइल इंजीनियरिंग, या आप बोल सकते हो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, या जियो टेक भी बोल सकते हो, सॉइल बोल सकते हो, एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग नाम है, ठीक है ना। उसमें हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है क्या, कि अर्थ प्रेशर के बारे में, ठीक है, एक्टिव पैसिव सारा चीज़, इम्बैकमेंट्स वगैरह के प्रेशर, ठीक है ना, वो सब चीज़ें पढ़ना है उसमें। लेकिन अगर इसमें दिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे अर्थ प्रेशर के बारे में। अ सॉइल मास इज स्टेबल व्हेन द स्लोप ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉइल मास इज फ्लैटर देन द सेफ स्लोप। देखो सॉइल तब तक स्टेबल होता है जब तक उसको जो स्लोप ढलान वगैरह दिए हो या जहाँ रखे हो वो एक उचित स्लोप पे हो, लिमिटेड, या जहाँ पे आप रखे हो एट सम लोकेशन वेयर द स्पेस इज लिमिटेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड स्टेबल स्लोप अनलेस अनटिल सपोर्टेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज़्यादा सॉइल को, मिट्टी को आप स्टेबल कर सको, नहीं, उसके लिए रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ेगा। रिटेनिंग स्ट्रक्चर रसिस्ट द लेटरल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सॉइल मास। अब ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है या वॉल है, ये क्या करता है, किस प्रेशर को, लेटरल प्रेशर को होने से सॉइल मास पे वो रसिस्ट कर रहा है, रोक कर रहा है। दिस लेटरल प्रेशर इज नॉन एज द अर्थ प्रेशर। यही जो प्रेशर बना रहा है बाजू से, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर। द मटेरियल रिटेन और सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बैकफिल। जिस मटेरियल से वो रिटेनिंग और सपोर्टेड रहता है, रिटेन या सपोर्ट रहता है स्ट्रक्चर से, उसको बैकफिल भी बोलते हैं। विच मे हैव इट्स टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। या तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो फिर प्लेन रहे। अगर अर्थ प्रेशर के टेस्ट बोले तो पहला अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। व्हेन अ सॉइल मास इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लेटरल यील्डिंग और मूवमेंट,
इट इज कॉल्ड प्रेशर एट द रेस्ट। ठीक है, जब श्वास मास एक जगह रहता है और उसमें कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है किसी भी तरह, तो उसको क्या बोल देंगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। एक फिगर दिया हुआ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का, देखो कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है? अ स्टेट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अकर्स व्हेन द सॉइल मास इज इन सच अ वे दैट इट नीड्स टू स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये आप देखोगे तो एक्टिव प्रेशर थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्टिव प्रेशर कहाँ से होता। देखो पहले वाले फिगर में कंबाइन है दोनों और ये है एक्टिव फेलवर वेजेस, मतलब क्या कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मूवमेंट है वहाँ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कोई वॉल नहीं बना है जो दूसरे चीज़ को स्थिर रखने में काम आए। लेकिन उसी तरह अगर हम बात करें पेसिव की, तो पेसिव में स्थिर रखने का काम आता है। ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके रिलेटेड टू मेन एग्जाम। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सारे चीज़ को पढ़िए। एक्चुअली क्या है कि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के बारे में जानकारी ले रहेंगे हिल रोड्स के बारे में। राइट, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।